je trouve de rester c'est une école de l'État et donc साहित्य का साहित्य के लिए साहित्य को समर्पित इस सम्मान समारोह का ये द्वितीय संस्करण है और जैसा कि पिछले वर्ष के आयोजन में आपसे साझा किया गया था राज्य की राजधानी में समारोह का आयोजन किया जाएगा इसलिए दिल्ली से प्रारंभ हुई ये यात्रा आप पहुंची है मराठी साहित्य के प्रदेश और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अमर उजाला समूह की ओर से शब्द सम्मान 2019 समारोह की संध्या में मैं आप सब सम्मानित अतिथियों का स्वागत करती हूँ। अमर उजाला समूह के प्रबंध निदेशक श्री राजुल माहेश्वरी जी और समूह सलाहकार श्री यशवंत व्यास जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर मौजूद अतिथियों को खुशबुझ भेंट कर उनका स्वागत करें और अमर उजाला समूह के अधिकारीगण मंच के सामने विराजमान अतिथियों को खुशबुझ भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा अनूठा अवसर है जब अमर उजाला ने सोचा था कि हम लोग हिंदी में अखबार निकालते हैं तो हमारा भारतीय भाषाओं के प्रति कोई दायित्व भी है कि नहीं, और इसलिए ये सोचा कि जब हम किसी को जीवन गौरव पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा कुछ दें तो हिंदी में दें, उसके साथ साथ एक भारतीय भाषा को भी। तो पहली बार जब ये तय किया गया तो पहला अवार्ड नामवर सिंह जी को मिला और कन्नड़ में गिरीश कर्नाड को हमने सौंप दिया। और संतुष्ट हूँ, खास तौर पर जबकि मैंने दिया कम है और मुझे मिला अधिक है। पर यह जरूरी भी है, यह जरूरी भी है कि मेरी आत्मा में जो हलचल है उससे आपको परिचित करा दूं। इस सभागार और मंच पर हमारे समय के अत्यंत संवेदनशील लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर मेरा देश इस दौर में सेहतमंद और संपन्न होता तो इस पुरस्कार की खुशी मुझे 100 गुना होती। जी हाँ, मुझे ऊर्जा और विजय पसंद है, पर मैं जो हासिल करता हूँ उससे जल्दी ही उदास हो जाता हूँ। मुझे पहचानहीनता और आत्मनिषेध भी पसंद है, लेकिन जिजीविषा मुझे अपनी तरफ खींचती है। इसका कारण हमारा देश है। मैं एक छोटे शहर में तन्हाई में लगभग अज्ञात शैली से अपना काम करता हूँ। खास बात यह कि मेरे शहर ने चौकन्ना और धुरंधर होने से इनकार कर दिया है, बावजूद इसके मुझे बार बार खोज लिया जाता है, शायद मौलिकता और मेरी बेचैनियों की वजह से। मेरा काम ही ऐसा है। कैसा
जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने, नदियों की छाती पर पुल बनाने, जंगलों बीहड़ों से गुजरते जाने और रीतीले तपिश भरे अनुभवों में जाने और लौटने का होता है। मैं अब मराठी साहित्य के आकार बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्रन जी और भालचंद निवाड़ी जी का वक्तव्य सुनकर कहीं ना कहीं ये विचार और पुख्ता होता है कि साहित्य हर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा को लांघकर मनुष्यता को बचाए रखने और बनाए रखने में अपनी जो भूमिका निभाता रहा है वो आगे भी निभाता रहेगा। बहुत बहुत आभार। अमर उजाला शब्द सम्मान 2019 की एक नायक श्री अब्दुल बिस्मिल्ला जी, भाषा बंधु पुरस्कार के निर्णायक श्री ज्योतिष जोशी जी, बिठा देते हैं। जो मैं बाहर कह रहा था कि आपने ऐसी कुर्सी में बिठाया जहां पैर नीचे नहीं लगते और ऐसी जगह पे बैठते हुए थोड़ा सी मुश्किल होती है, क्योंकि प्यार दो प्यार मिलता है, आदर दो आदर मिलता है, लाड दो लाड मिलता है, अवार्ड दो अवार्ड दो तकरीर करने को तो ये तकरीर से जरा सा बच रहा था, लेकिन है दोस्त हैं, मेहरबान है, वो हर तरह से हरकतें करते हैं और दोस्ती निभाते हैं। ये कि ऐसे विद्वानों में, ऐसे जानकारों में, ऐसे लोगों में जिनके पास इजहार है, एक्सप्रेशन है, जिन्हें जिंदगी दिन रात छूटी है और उसका इजहार भी कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर लेते हैं, उनके पास बैठ के सीखने का मौका भी मिलता है और कहने का मौका भी कुछ आदमी सीख लेता है। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ और बताया यशवंत जी ने आके ये अवार्ड देने और एक तारीख दे के और कुछ नाम दे के यहाँ से निकल गए, फिर आऊँगा दिल्ली से, और दिल्ली से हर आने वाले से डर लगता वैसे ही पता नहीं क्या करे, क्या कानून लेकर चला है, क्या लेकर ज्ञान जी से वाकफियत थी। एक जमाने में मुझे पहल ही से उन्हीं की मैगजीन से उन्होंने मेरा तारुफ कराया था, परिचय कराया था, कुछ वक्त तक साथ साथ चलता रहा, लेकिन सीखते रहे। पता नहीं उन्होंने कहानी लिखना क्यों छोड़ दिया, कहानी लिखते थे, बड़ी कमाल की कहानी लिखते थे, अब भी कुछ कहानियां मंगवा के दोबारा पढ़ी मैंने, अब पिता जैसी कहानी आपकी, अब इससे खूबसूरत मिडिल क्लास को एक गर्मी की शाम में कौन डिस्क्राइब कर सकता है, और पूरे समाज का वो हिस्सा नजर आने लगता है जो उस गर्मी में जीते हैं, और वो गर्मी सिर्फ मौसम ही की नहीं, वो मौसम उस मौसम में वो अपने पूरे समाज की गर्मी बयान कर जाते हैं आपके सामने।